हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम RPWD एक्ट 2016 के बारे में, जो कि कई बच्चों ने मुझे बोला था कि सर RPWD जो एक्ट है उसका आपका अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आपके जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको एक बार करवा दीजिए कि इस एक्ट में यानी कि विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016 जो है उसमें आपके क्या क्या बातों पर विशेष गौर किया गया और किस किस विचारों पर उसमें बात की गई है, जहाँ पर आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे RPWD एक्ट 2016 के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में RPWD एक्ट 2016, जिसे आप फुल फॉर्म में बोलते हो द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पहला क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा सकता है कि ये कब लागू किया गया था और कब इस पर चर्चा की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2016 से इसमें दिसंबर से चर्चा की जा रही थी और आपका ये जाकर ये 15 जून 2017 को लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसको रिप्लेस किया गया था किसकी जगह पर, PWD एक्ट 1995 की जगह पर, और लागू कब किया गया था इसको, 15 जून 2017 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसको लागू कब किया गया था। तो 15 जून 2017 को इसको लागू किया गया था। इसको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय लागू करता है, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होती है उसके द्वारा इसको चलाया जाता है, यानी कि इसको लागू किया जाता है। और यह अधिनियम PWD एक्ट 1995 यानी कि 1995 का संशोधित रूप है, यानी कि इससे पहले आपका एक और बन चुका है आपका PWD एक्ट, जिसे आप 1995 कहते हो, यानी कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी जिसे आप बोलते हो 1995, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट 7 डिसेबिलिटीज के बारे में बात की गई थी, लेकिन उसका संशोधन रूप जो आपका 2016 में बताया गया था उसमें 7 से बढ़ाकर 21 यानी कि विकलांग व्यक्तियों को शामिल कर दिया गया था। यानी कि जहां आपका 1995 में PWD में बोला गया था कि 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं, वहीं पर ही आपकी 2016 में उसको बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी गई थी। कौन कौन सी है 21 प्रकार की, मैं आपको अच्छे से विस्तारित रूप से समझाने की कोशिश करूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा और वहीं से ही क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। जो कि किसके द्वारा कहा बनाया गया था, ये तो सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय के तहत तय किया गया था। ओके, अब ये जो PWD एक्ट जो कि 1995 है, जो कि लागू कब हुआ था आपका 1996 में, आखिर उसमें बात क्या गई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम 1996 में लागू हुआ और इस अधिनियम में 7 प्रकार की नियोगता यानी कि डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था। कौन कौन सी, तो आप देख सकते हो ये 7 प्रकार की, अंधापन जिसे आप ब्लाइंडनेस कहते हो, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, गामा बाधित निवारण, योग कुष्ठ रोग, मानसिक मांदता या फिर आपका मानसिक बीमारी। तो ये 7 प्रकार की विकलांगताओं को 1995 वाले PWD एक्ट में आपका शामिल किया गया था और अब नए वाले में 21 प्रकार की कर दिया गया है। लेकिन उसको बताने से पहले आपका जो 1995 में और 2006 में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों के बीच में क्या क्या परिवर्तन लाए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि अगर यहां से कोई सा भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आपका वो क्वेश्चन यहां से मिस ना होए। तो PWD एक्ट जो आपका अधिनियम था 1995 में, आपका वो जो इसमें परिवर्तन करके 2016 में बनाया गया, तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड करी गई, तो ध्यान रखिएगा यह अधिनियम 7 विकलांगताओं की बजाय 21 विकलांगताओं को कवर करेगा जो PWD एक्ट 1995 में शामिल थे, यानी कि 7 तो उसमें शामिल थे ही, लेकिन अब उसको 7 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 21 कर दिया गया है। 21 को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कितने विकलांगताओं को मान्यता दी गई है। इसका जो विकलांग बच्चों को 21 प्रकार की विकलांगताएं शामिल की गई है उसके पीछे मोटिव क्या है, तो उसके पीछे मोटिव आपका ये था कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी समान अवसर या फिर अधिकारों का संरक्षण या संपूर्ण सहभागिदारिकता, यानी कि जो अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके, अपने आप को वहां पर वो ये ना समझे, लाचार ना समझे, अपने आप को भी वो समाज का हिस्सा समझे, इसलिए इस PWD एक्ट को दोबारा पुनरुत्थित या दोबारा संशोधित करने की जरूरत पड़ी। ओके, उनके अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला कदम बढ़ाया गया और भारत का दूसरा कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता यानी कि UNCRPD स्वीकार
करना। तो यानी कि उसमें आपका ये साफ कहा गया था कि साफ बोलो तो यूएन ने साफ कहा था कि जो आपके विकलांग व्यक्ति है वो समाज का हिस्सा है, समाज में उनको लाचार रूप से नहीं, उनको एज ए समान अवसर और उनके अधिकारों का संरक्षण और उनके संपूर्ण सहभागिता, समाज को जीने में पूर्ण उनका उतना ही अधिकार है जितना एज ए सामान्य व्यक्ति को होता है, इसलिए आपके इसमें परिवर्तन लाए गए थे। और 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। यानी कि आपके जो 6 से 18 यानी कि जो आपका 1995 में भी बोला गया था जो विकलांग बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा होती है वो क्या होनी चाहिए थी आपकी, वो 6 से 18 होनी चाहिए जो कि नॉर्मल 6 से 14 होती है। तो यहाँ पर आपके 6 से 18 जो वर्ष के व्यक्ति होंगे जो आपके विकलांगता बेंचमार्क के अंदर आते हैं तो उनको पूर्ण रूप से जो उनकी शिक्षा होगी वो कैसे दी जानी चाहिए, मुफ्त देनी जानी चाहिए और उनका वो पूरा का पूरा अधिकार होना चाहिए। और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण 3-4% तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि जो आपका पहला 3% था आरक्षण जो कि विकलांग बच्चों के लिए सीट पहले से ही रिजर्व होती थी उसको बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया था, तो 4% कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूरा पूरा चांसेस है पूछे जाने की, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है विधायक विकलांग व्यक्तियों के लिए किए गए अपराधों के लिए और नए कानून के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करता है। यानी कि जो आपका ये विकलांग अधिकार अधिनियम बनाया गया था, अगर किसी विकलांग बच्चे को किसी प्रकार की उसकी विकलांगताओं को या उसके किसी प्रकार के अधिनियम का हनन किया जाता है या फिर उसका किसी प्रकार के कान उसके जो चीज होती है उसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने कुछ बोल दिया है किसी प्रकार से कुछ कह दिया, तो उसके आपके अधिकार अधिनियम के अनुसार आपको 10,000 का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। मतलब आपके विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई भी आप अपराध वगैरह करते हो या उनके कानून के प्रावधान का उल्लंघन करते हो तो आपको 1 साल की जेल या फिर आपका 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अभी 1 साल की जेल फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। ओके, नेक्स्ट है परिवहन के साधन स्टेशन और सभी सार्वजनिक भवन जैसे कि अस्पताल को अनुकूल करें। यानी कि जो आपके जो सार्वजनिक परिवहन के साधन होते हैं या स्टेशंस होते हैं या सार्वजनिक भवन होते हैं यानी कि जो आपके बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, उनको भी क्या करना होगा, आपको विकलांग फ्रेंडली बनाना होगा। ये इनका टारगेट था 2019 तक का बनाने का कि आपके जितने भी स्टेशंस हैं जैसे कि आप मेट्रो स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो आपको एक पीली कलर की पट्टी दिखती होगी जो कि हल्की सी उठी उठी सी होती है। क्यों? क्योंकि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं जो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो दृष्टिहीन है देख नहीं सकते तो उसके ऊपर वो चल चल के जो उभरा हुआ टाइल है वो आराम से जाकर अपने मेट्रो स्टेशन पर जा सकें। तो वो ऐसा करने के लिए जो आपके परिवहन साधन हैं स्टेशंस हैं या फिर सभी सार्वजनिक भवन है अस्पताल है सबको उनके अनुकूल बनाना और नई विकलांग अधिसूची द्वारा जोड़ा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर साफ बोल रखा है यदि आपका राष्ट्रीय या फिर आपका केंद्रीय दोनों, ध्यान रखिएगा राज्य और केंद्र दोनों को ये आपका बताया गया था कि अगर किसी प्रकार की नई विकलांगताएं शामिल आपको देखने को मिलती है तो उसमें भी आपको क्या करना है, संशोधन करना है। यानी कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज पहले ही चेक कर चुकी जा चुकी है जैसे कि पहले 7 थी अब 21 हो गई है। तो अगर आप भी कोई नई डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है जो बाय मिस्टेक मिस हो गई हो तो उसको भी आपको क्या करना है, पता करके इसमें संशोधित करना है। तो नई विकलांगता अनुसूची द्वारा भी इसमें जोड़ा जा सकता है। ओके, तो ये कुछ आपके परिवर्तन किए गए थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया इसमें टोटल 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है। कौन कौन सी मिलती है चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। पहला, मानसिक मंदता, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, मेंटल रिटार्डेशन बोलते हो। इसमें क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपनी बातों को या फिर दूसरों की बातों को जो आम उम्र के बच्चे होते हैं उनके सामने अपनी बातों को समान रूप से प्रकट नहीं कर पाता या फिर कार्य नहीं कर पाता, मतलब अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने में उनको कठिनाइयां आती हैं। दूसरा है आपका ऑटिज्म, जिसे इंग्लिश में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति भी किसी कार्य में ना अपना ध्यान को केंद्रित करने में उसको क्या कठिनाई आती है या फिर दूसरे लोगों से आंख मिलाकर या फिर अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करने में कठिनाई आती है, मतलब गुमसुम रहता है, अपने आप को किसी के साथ घुलने मिलने में उसको कठिनाइयां उत्पन्न होती है।
तीसरा बहुनिशेषकता, जिसे आप इंग्लिश में मल्टी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग डीप ब्लाइंडनेस भी कहते हो, जिसमें आपका है ना एक से ज़्यादा प्रकार की विशेषता इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि मानसिक मतदाता हो सकता है बच्चा, मानसिक रोगी हो सकता है, या फिर मूक निशेषकता हो सकता है, या सुनने में श्रवण निशेषकता हो जाती है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा प्रकार की डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है, उसको क्या कहा जाता है बहुनिशेषकता, यानी कि मल्टी डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीप ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चा जो होता है वो परिवार का या फिर परिवार का कोई भी सदस्य जो कि चलने में कुमित अंगों का या फिर बैसाखियों का इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जो कि पूर्ण रूप से वो चलने में कठिनाई या फिर हाथों का काम करने में कठिनाई आती है उसको। ओके, नेक्स्ट है मानसिक रोगी, जिसे इंग्लिश में मेंटल इलनेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो बच्चा या व्यक्ति जो होता है वो खुद से बात करने लग जाता है या फिर भ्रम सा उसमें पैदा होने लग जाता है, ऐसा लग जाता है जैसे वो हमेशा नशे में यानी कि उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, या फिर आपका क्या करेगा वो उस व्यक्ति के अंदर जल्दी गुस्सा देखने को अंदर देखने को मिलता है, तो उसी को क्या कहा जाता है मानसिक रोगी कहा जाता है। नेक्स्ट है श्रवण बाधित, जिसे इंग्लिश में हेयरिंग इंपेयरमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें परिवार के किसी भी सदस्य को है ना बहरापन अथवा सुनने में कठिनाई होती है, जिसे आप बोल सकते हो कि ऊंचा या फिर कम सुनाई देता है, उसी को क्या कहा जाता है श्रवण बाधित कहा जाता है। नेक्स्ट है मूक विकलांगता, इंग्लिश में जिसे क्या बोला जाता है स्पीच इंपेयरमेंट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, तो परिवार या व्यक्ति कोई भी सदस्य क्या होता है इसमें गूंगा होता है या फिर उसको बोलने में कठिनाई होती है, अगर इस प्रकार की चीजों से समस्या आती है उसके ऊपर तो क्या होगा आपका मूक विकलांगता के अंदर आएगा। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित, जिसे इंग्लिश में ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, यानी कि परिवार का या व्यक्ति जिसे देखने में कठिनाई होती है जिसे आप दृष्टिहीन भी बोलते हो, वो क्या होगा आपका दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंडनेस होगा। नेक्स्ट है अल्प दृष्टि, जिसको इंग्लिश में लो विजन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है आपका व्यक्ति को या परिवार के सदस्य को कम दिखता है यानी कि वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता, और साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा 60 वर्ष की उम्र के कम आयु की स्थिति में यानी कि 60 की एज में 60 से ऊपर चले जाते हो आपको तो वैसे आपकी अल्प दृष्टि हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 60 वर्षों से नीचे की बात करी जा रही है। ओके, नेक्स्ट है चलन निशेषकता, जिसको इंग्लिश में लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति या परिवार में किसी भी सदस्य को क्या होता है हाथ या पैर अथवा दोनों की निशेषकता होती है, मतलब जैसे कि हाथ या पैर का कट जाना या फिर लकवा लग जाना, इस प्रकार की चीज़ें इस लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के अंदर शामिल की गई है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग से मुक्त, जिसे आप इंग्लिश में लेफोसी कोड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति होगी या फिर टेढ़ापन होगा, इसमें शरीर की जो त्वचा होती है ना वो रंगहीन धब्बे पड़ जाते हैं, उस पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, या फिर हाथ या पैर की उंगलियां क्या होंगी आपकी सुन्न होने लगेंगी, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को जानने को मिलती है तो कुष्ठ रोग से मुक्त के अंदर आता है। नेक्स्ट है बोनापन, जिसे आप इंग्लिश में ड्रफिज्म भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति का जो कद होता है ना वो वयस्क व्यक्ति से यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उससे कम उसकी हाइट होती है, जिसे आप इंग्लिश हिंदी में बोनापन भी कहते हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की 4 फुट 10 इंच से यानी कि 147 सेंटीमीटर से हाइट इतनी या फिर इससे कम होगी तो उसको किस में माना जाएगा बोनेपन के अंदर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तेजाब हमला पीड़ित, जिसे इंग्लिश में एसिड अटैक विक्टिम कहा जाता है, यानी कि शरीर के अंग जैसे कि हाथ पैर आंख आदि जो तेजाब के हमले की वजह से असामान्य प्रभावित हुए हों तो वो व्यक्ति इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशी दृढ़ विकास, जिसे इंग्लिश में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, तो व्यक्ति की मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं या फिर मांसपेशियों में विकृति देखने को मिलती है, तो व्यक्ति किसके अंदर आएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर माना जाएगा अगर इस व्यक्ति में इस प्रकार की विकृतियां पाई जाती हैं तो। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसे इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो बच्चा बोलने में समझने में शतुलेख में लेखन में साधारण जोड़ में बाकी गुणा भाग वाग में कठिनाई पा जाती है, अगर व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा प्रकार की चीज़ों में विकृति देखने को मिले जैसे बोलना समझना शतुलेख लेखना साधारण जोड़ना वगैरह में भी, तो बच्चे के अंदर क्या होगा आपका वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज से ग्रस्त है।
नेक्स्ट है आपका बौद्धिक निःशक्तता, जिसे इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो सीखने में समस्या समाधान तार्किक आदि में कठिनाइयां होती हैं। मतलब प्रतिदिन जो कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, उसमें बच्चा क्या होता है, अनुकूल व्यवहार में कठिनाइयां प्रस्तुत करने लग जाता है। इसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, अडेप्टिव बिहेवियर जिसमें आ जाता है बच्चे के अंदर, तो बौद्धिक निःशक्तता के अंदर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल सिलोसिस, जिसको इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। इसमें क्या होगा, तो व्यक्ति के जो दिमाग होगा ना और जो उसके नसेज होंगे वो दोनों मिलकर कार्य नहीं कर पाती, या उसके साथ साथ में जो उसकी रीढ़ की हड्डियां होंगी वो सामान्य रूप से क्या होगी, परेशानी होती रहती है उसकी, यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डियों में वो सामान्य में नहीं बिठा पाता है। नेक्स्ट है आपका पार्किंसन डिसीज। अब इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा हाथ पांव मांसपेशियां में अगर आपके जकड़न या तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधित कठिनाइयां सामने प्रस्तुत हो रही हैं, यानी कि आपका देखा होगा हाथ वगैरह कांपना या फिर जकड़न वगैरह इस चीज की चीजें देखने को मिलती है, या शरीर झुककर चल रहा है, तो व्यक्ति किस प्रकार से ग्रस्त होता है, आपका पार्किंसन डिसीज से ग्रस्त होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अधीर रक्त स्वेत्र, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, तो हीमोफीलिया कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपने देखा होगा जिसको चोट लगने पर जो उसका ब्लड होता है वो खून रुकता नहीं है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम होती है, अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो किस चीज से ग्रसित है, वो आपका हीमोफीलिया से ग्रसित माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया। अगर कोई व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में भी थैलेसीमिया ही कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति को किसी डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि आपके खून में क्या है, हीमोग्लोबिन की विकृति है, यानी कि मात्रा कम है, तो किस प्रकार की चीज़ से ग्रस्त होगा व्यक्ति, तो आपका थैलेसीमिया से वो ग्रस्त है। ओके, और लास्ट है आपका सिकल सेल डिसीज, जिसको इंग्लिश में भी यही कहा जाता है, और ध्यान रखिएगा ये भी आपका ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि आपका डॉक्टर कोई भी हो जिसने आपको बताया हो कि आपके शरीर में जो है खून अत्यधिक कम है, या फिर खून की कमी से आपके शरीर का कोई अंग या अवयव खराब हो गया है, तो उससे ग्रस्त बच्चा क्या होगा या व्यक्ति क्या होगा, सिकल सेल डिसीज से ग्रस्त माना जाएगा। ओके, तो ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था आपका 2016 के विकलांगता के अंदर। ओके, तो ये आपके अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है 21 के 21 को। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।